नमस्कार मेरे मित्रों, मेरे सभी छात्र छात्राओं, मैं आर के पंकज आप सभी के इस YouTube मंच जिसका नाम चैंपियन कोचिंग सेंटर आर के पंकज है, इस मंच पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मनुष्य में नर जनन तंत्र और नर जनन तंत्र द्वारा जो जनन की प्रक्रिया है वह किस प्रकार से पुरुष अपना भूमिका जनन की प्रक्रिया में निभाता है, इसे बतलाने का कार्य ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वीडियो नंबर 44वें भाग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड प्रोसेस के माध्यम से समझाने का कार्य किया। मित्रों, आज मैं आपके बीच मानव शुक्राणु अर्थात ह्यूमन स्पर्म, जिसे स्पर्मेटोजुआ कहते हैं, उसे बतलाने जा रहा हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी जीव जंतु होते हैं, जो भी पौधे होते हैं, उन पौधों में जो काय कोशिकाएं होती हैं, जो सोमैटिक सेल होते हैं, उन सोमैटिक सेल में गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड क्रोमोजोम होता है। लेकिन जब वही सजीव, वही जीव जंतु, पेड़ पौधा लैंगिक प्रजनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का कार्य करता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए नर और मादा द्वारा, मेल और फीमेल द्वारा युग्मकों का निर्माण किया जाता है। नर युग्मक, मेल गैमेट स्पर्म का निर्माण करते हैं और मादा फीमेल गैमेट अर्थात मादा युग्मक ओवम का निर्माण करते हैं। ये जो स्पर्म अर्थात शुक्राणु और ओवम अर्थात अंडाणु जो है, यह अगुणित कोशिका है जिसमें गुणसूत्र की संख्या कायिक कोशिका सोमैटिक सेल से कम होती है, सोमैटिक सेल से आधी होती है। अगर हम मनुष्य को देखने जाए तो मानव परिप्रेक्ष्य में जितने भी शरीर की कोशिकाएं हैं, उन सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। लेकिन मनुष्य में नर और मादा दो अलग अलग जीव होते हैं। जनन की प्रक्रिया जब ये करते हैं तो इसके तहत वह शुक्राणु का निर्माण नर करता है और अंडाणु का निर्माण मादा करता है। जहां शरीर की कोशिका में नर या मादा के शरीर की कोशिका में 46 गुणसूत्र होती है, वहीं नर और मादा द्वारा तैयार शुक्राणु स्पर्म और अंडाणु ओवम कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। तो आज मैं आपके बीच ह्यूमन स्पर्म के डायग्राम और उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं, जो उसके भाग हैं, उसको मैं बतलाने जा रहा हूं। मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये बतलाया है कि 1670 ईस्वी में मानव शुक्राणु का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक कपड़ा व्यापारी थे, उन्होंने ही इसका खोज किया। दूसरा पॉइंट लिखा, यह अगुणित नर युग्मक कोशिका है, इसमें 23 अगुणित गुणसूत्र होते हैं। परीक्षा में आपको इस बार 2020 के बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विगुणित कोशिका है, तो द्विगुणित कोशिका जायगोट अर्थात युग्मनज होती है। और कई इंटर के एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिकाएं हैं, तो आप बोलिएगा अगुणित कोशिका में ऑप्शन ढूंढिएगा। अगर आपको युग्मक के रूप में शुक्राणु या अंडाणु, स्पर्म या ओवम मिल जाएगा तो उसे आप लोग टिक कर देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यह अगुणित नर युग्मक अर्थात हैप्लॉयड मेल गैमेट कोशिका है। इसमें 24 घंटे निषेचन की क्षमता होती है, जिसे हम लोग वायबिलिटी कहते हैं,
यानी शुक्राणु जब निकलता है पुरुष के शरीर से निकल जाता है और मादा के शरीर में जब ये पहुंचता है तो यह जो है आपको 24 घंटा निषेचन करने का शक्ति होता है। अगला पॉइंट मैंने लिखा मानव शुक्राणु के स्ट्रक्चर शेप के रूप में, मानव शुक्राणु भाले के जैसा। यहाँ बहुत सारी बातें हमने लिख दी है, कोई भी ऑप्शन में आपको रह सकता है या पूछा जा सकता है कि मानव शुक्राणु कैसा होता है, तो भाले के जैसा होता है। सूक्ष्मदर्शी होता है यानी इसको नग्न आंख से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। टैडपोल लाइक होता है, टैडपोल शेप होता है, फेक्स मेढक के जो बच्चे होते हैं, मेढक का जो लार्वा होता है उसे हम लोग टैडपोल कहते हैं, तो टैडपोल के यह आकार का होता है। डार्ट लाइक कशारिकीय युक्त रचना है, डार्ट लाइक मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसमें बंदूक जो आता है, बंदूक की जो गोली रहती है उस गोली में गोली को जो है डार्ट लाइक बनाया जाता है, तो ये डार्ट लाइक कशारिकीय यानी फ्लैजलेट रचना है, इसमें फ्लैजिला होता है। इसकी लंबाई 60 म्यू एम और व्यास 2 से 5 म्यू एम होती है। फ्लैजिला का मतलब नहीं समझ लीजिए कि इसमें फ्लैजिला होता है, ये फ्लैजिला लाइक होता है, देखने में ये फ्लैजिला के जैसा लगता है, जिसके वजह से ये गति करने में इसको मदद करती है। और इसके बाद स्पर्म के हम प्रमुख भाग बता रहे हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसके भाग हेड होते हैं, नेक होते हैं, मिडिल पीस होते हैं, टेल होते हैं, टेल में भी इसके 2 भाग होते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि हेड, यह नॉब लाइक शुक्राणु का अग्रभाग है जो 3.5 म्यू एम चौड़ा और चपटा होता है। इसमें 23 गुणसूत्र युक्त या क्रोमोजोम युक्त केंद्रक जिसे न्यूक्लियस कहते हैं एवं एक्रोसोम होता है। हेड कैप लाइक एक्रोसोम से ढका रहता है जिसे एक्रोसोमिक कैप या गैलिया कैपिटिस कहते हैं। एक्रोसोम का निर्माण जो है, एक्रोसोम की उत्पत्ति जो है स्पर्मेट्रिड्स के गोल्जी बॉडी से होती है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि एक्रोसोम स्पर्मेट्रिड्स के गोल्जी बॉडी का उत्पन्न है, डेरिवेशन है। एक्रोसोम में प्रोटीन अपघटनशील और लाइसोसोमल एंजाइम रहता है जिसे स्पर्म लाइसिन कहते हैं, और स्पर्म लाइसिन के अंदर हाइलुरोनिडेज आपको आता है। ये सारे जो है हेड से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे, इसे आप लोग बता रहे, इसके बाद कंटिन्यू। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहां लिखा है, हेड के सतह पर एडहेसिन रहता है जिसमें डीकैपेसिटेशन की क्षमता होती है। डीकैपेसिटेशन का मतलब हो गया कि आखिर जो स्पर्म होता है उस स्पर्म का काम क्या है, उस स्पर्म का काम है कि मेल के शरीर से बाहर निकलेगा और जब वह कॉपुलेशन के द्वारा संगम या मैथुन के द्वारा जब फीमेल के शरीर के अंदर पहुंचेगा तो फीमेल बॉडी में निर्माण होने वाले अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा, सेकेंडरी ओसाइट के अंदर प्रवेश करेगा और निषेचन की क्रिया को संपन्न करेगा। लेकिन अगर वह सेकेंडरी ओसाइट से नहीं मिल पाए, सेकेंडरी ओसाइट्स के कवर को, उसके जो ऊपर का जो आवरण होता है उस लेयर को अगर वह भेद नहीं सके तो उसे ही हम लोग डीकैपेसिटेशन कहते हैं। तो यह क्यों होता है, क्योंकि हेड की सतह पर एडहेशन रहता है और यह एडहेशन निषेचन के लिए, पेनिट्रेशन के लिए समाप्त होना जरूरी हो जाता है। तो लिखे हैं, मैंने लिखा है इसका समाप्त होना आवश्यक है, तभी शुक्राणु सेकेंडरी ओसाइट अर्थात द्वितीयक अंड कोशिका के साथ निषेचन कर सकता है। मादा का एस्ट्रोजन हार्मोन एवं स्पर्म लाइसिन हाइलुरोनिडेज इसे हटाता है, तब शुक्राणु का प्रवेश सेकेंडरी ओसाइट में होता है जिसे पेनिट्रेशन कहते हैं, और पेनिट्रेशन के वजह से फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, नेक अर्थात ग्रीवा या हेड के ठीक पीछे सकरा बहुत ही छोटा भाग होता है, इसी में न्यूक्लियस की ओर एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, नेक में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, एक जो
सेंट्रियोल रहता है वह न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक की ओर होता है, उसे हम लोग प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। और दूसरा जो सेंट्रियोल होता है वह मिडिल पीस अर्थात मध्य भाग की ओर होता है, जिसे हम लोग डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया है कि इसी में न्यूक्लियस की ओर एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एवं मिडिल पीस की ओर एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। डिस्टल सेंट्रियोल से एक जाइल फिलामेंट एक्सोनिमा तक फैला हुआ रहता है, उत्पन्न होता है। नेक में एक टेम्पोरी बैंड होता है जिसे मैंचेटी कहते हैं, यह नेक के चारों ओर होता है। इन सारी चीजों को जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो उनमें मैं इनमें से अधिकांश जो फैक्ट्स हैं उसको डायग्राम के अंदर मेंशन करूंगा, इसे आप लोग बता रहे इसके। दोस्तों मैंने यहां तीसरे पॉइंट में मिडिल पीस जो कि शुक्राणु का तीसरा भाग होता है, इसे हम लोग मध्य भाग कहते हैं, इसमें मैंने कुछ पॉइंट दर्शाया है कि यह नेक के नीचे बेलनाकार भाग है जो टेल तक लंबा रहता है। इस भाग से एक्सोनीम अर्थात एक जाइल फिलामेंट की सूक्ष्म नलिकाएं गुजरती हैं। इस भाग में स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया 10 से 14 टर्न यानी घुमाव लिए हुए रहता है, जिसमें सीमित भोजन होता है। यह शुक्राणु गमन हेतु ऊर्जा एटीपी के रूप में प्रदान करता है। इस भाग के ऊपर साइटोप्लाज्म एवं प्लाज्मा लेमा जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में पीएम मैंने लिखा है, पीएम का आवरण बाहर की ओर होता है जिसे नेवेनकर्न शीथ कहते हैं। 10 से 14 टर्न लेकर स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया रिंग सेंट्रियोल जिसे एनुलस या जेंसन रिंग के नाम से जानते हैं, तो यह स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया रिंग सेंट्रियोल के पास जाकर समाप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन अर्थात एरोबिक रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। और चौथा एवं लास्ट पॉइंट यहाँ मैंने लिखा है जिसे हम लोग टेल कहते हैं। टेल का तात्पर्य क्या होता है? टेल का तात्पर्य होता है कुछ कुछ। टेल का तात्पर्य क्या होता है? पुच्छ होता है, यह सबसे अंतिम भाग है। यह टेल जो है यह शुक्राणु का सबसे लंबा सकराकार बेलनाकार स्पंदनशील भाग है, अंतिम भाग है और सबसे अधिक लंबा होता है। जितने भी शुक्राणु में भाग होते हैं, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, इन तीनों से टेल का लंबाई जो होता है सबसे अधिक होता है। सकरा होता है, बेलनाकार होता है, स्पंदनशील, स्पंदनशील का मतलब हो गया वाइब्रेट करने वाला होता है। वाइब्रेट करने की क्षमता रहने की वजह से आपको शुक्राणु आगे मूव कर पाते हैं, शुक्राणु आगे गति कर पाते हैं। यह 50 म्यू एम तक लंबा होता है, यही शुक्राणु में गति उत्पन्न करता है। यह दो भाग में बटा रहता है, जो कि मैं अगले आपको पॉइंट में लिखूंगा कि दो भाग इसके कौन होते हैं, प्रिंसिपल पीस जिसे हम लोग मिडिल पीस भी कहते हैं, और दूसरा भाग होता है एंड पीस अर्थात जिसको हम लोग अंतिम भाग भी कहते हैं। मित्रों टेल के मैंने दो भाग मेन पीस और एंड पीस को मैंने यहां स्पष्ट किया है। मेन पीस यह टेल का मुख्य भाग है, इसमें एक जाइल फिलामेंट कुछ साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा लेमा रहता है। एंड पीस यह टेल का अंतिम भाग है, इसमें एक जाइल फिलामेंट जिसको एक्सोनीम कहते हैं उपस्थित रहता है, लेकिन साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा लेमा अनुपस्थित रहता है। कुछ ऑब्जेक्टिव है, सबसे लंबा शुक्राणु प्रोसोफाइला बाइफुल्का जिसका लंबाई 5.8 mm होता है उसका होता है। क्रेफिश, क्रैब, लॉबस्टर, एस्केरिस, प्लेनेरिया के शुक्राणु में टेल नहीं रहता है। 60% शुक्राणु जो होते हैं वो नॉर्मल साइज के होते हैं और 40% शुक्राणु जो है वह प्रे के साथ गमन अर्थात विग्रस मोटिलिटी दर्शाने का काम करता है।
दोस्तों यहां मैंने मानव शुक्राणु ह्यूमन स्पर्म अर्थात स्पर्मेटोजोआ का डायग्राम बनाया है। मैंने यहां बतलाया कि शुक्राणु के मुख्य रूप से चार भाग होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। टेल को दो हिस्सों में बांटा गया है, मेन पीस, प्रिंसिपल पीस भी से कहते हैं, एंड पीस। ये दो टेल के हिस्से भाग हैं। सभी अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रकार की रचनाएं मौजूद होती हैं। सबसे पहले हम हेड को देखने जाएं, तो हेड में आपको बताया गया है कि हेड में एक्रोसोम होता है और गुणसूत्र युक्त इसमें केंद्रक होता है। ये एक्रोसोम है और ये गुणसूत्र युक्त केंद्रक है। एक्रोसोम को हम लोग जैसा जानते हैं, इसको एक्रोसोम को हम लोग गैलिया कैपिटिस भी कहते हैं। इसे हम लोग एक्रोसोम को क्या कहते हैं? गैलिया कैपिटिस। इसे गैलिया कैपिटिस भी कहा जाता है। और ये जो दिखलाया गया है, ये आपका केंद्रक न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम मौजूद है। इस हेड के ऊपर में एक लेयर पाया जाता है, जिस लेयर को हम लोग एडेसिन कहते हैं। इस पर लाइसिन नामक एंजाइम भी होता है। इसी एडेसिन अर्थात स्नेहकता के वजह से, लाइसिन की वजह से, आपको एडेसिन रहने के कारण क्या होता है कि एडेसिन जब रहता है तो ये एडेसिन के कारण जब शुक्राणु सेकेंडरी ओसाइड से मिलने का कार्य करते हैं तो उस समय यह सेकेंडरी ओसाइड्स में प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके ऊपर में एडेसिन का लेयर होता है। लेकिन साथ ही साथ एक्रोसोम में जो है लाइसिन मौजूद रहता है। मैंने यहां पर दर्शा दिया है लाइसिन को इसी के साथ, लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि ये एक्रोसोम के साथ होता है। ये किसके साथ होता है? एक्रोसोम के साथ होता है। एक्रोसोम के साथ लाइसिन या स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम होते हैं, और ये स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम जिसमें हाइड्रोनिडेज आता है, इसके वजह से ही एडेसिन की जो क्षमता होती है या एडेसिन जो स्नेहकता रहता है, जो लुब्रिकेशन रहता है, जो डीकैपेसिटेशन करता है, शुक्राणु को अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, उस गुण को, उस क्षमता को समाप्त कौन करता है? तो लाइसिन समाप्त करता है। इसके बाद इसके नेक को देखें, हेड के जस्ट पीछे और मिडिल के ऊपर बहुत छोटा नेक दर्शाया गया है। इस नेक में दो प्रकार के सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल की संख्या दो होती है। एक सेंट्रियोल होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा सेंट्रियोल होता है आपका डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हेड के तरफ, न्यूक्लियस के तरफ रहता है, और आपका डिस्टल सेंट्रियोल मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ रहता है। साथ ही साथ नेक पर एक आवरण रहता है जिसको हम लोग माइन चेटी कहते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि डिस्टल सेंट्रियोल से ही एक एक्सोनीम अर्थात एक्जाइल फिलामेंट का उत्पत्ति हुआ है, और यही एक्जाइल फिलामेंट अंतिम टेल के अंतिम हिस्से तक पहुंच जाता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मिडिल पीस है। मिडिल पीस पर एक आवरण रहता है, एक लेयर रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको नेव एंड कर्ण शीथ के नाम से हम लोग जानते हैं। मिडिल पीस में ही आपका एक्जाइल फिलामेंट अर्थात एक्सोनीम गुजरता है। एक्सोनीम जिसे हम लोग एक्जाइल फिलामेंट कहते हैं, इसकी उत्पत्ति नेक में मौजूद डिस्टल सेंट्रियोल से होती है। साथ ही साथ मिडिल पीस में स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया तीन प्रकार का काम करता है। पहला, ये एरोबिक रिस्पायरेशन का काम करता है, वायवीय श्वसन का काम करता है। दूसरा, इसमें कुछ मात्रा में भोजन रहते हैं, सीमित मात्रा में भोजन रहते हैं। साथ ही साथ इसमें ऊर्जा देने के लिए एटीपी की उत्पत्ति करने का कार्य जो है वह स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो मैंने ये दिखलाया है इस प्रकार से स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो लंबी जैसी रचना है ये एक्जाइल फिलामेंट है। जब
मिडिल पीस समाप्त होने वाला रहता है और टेल शुरू होने वाला रहता है, तो उन दोनों के कनेक्टिव प्लेस के पास में रिंग सेंट्रियोन पाया जाता है, जिसको एनुलस या जैनसन रिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा पार्ट जो है ये टेल है। शुक्राणु के जितने भी हिस्से हैं, जितने भी पार्ट है, हेड, नेक और मिडिल पीस, इन सभी में सबसे लंबा जो होता है वो टेल होता है। टेल में भी मुख पार्ट जो है वो मेन पीस कहलाता है और अंतिम वाला भाग जो है वो एंड पीस कहलाता है। मेन पीस में तीन चीजें रहती है, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है जिसको हम नेवर किन सीथ भी कहते हैं, दूसरा इसमें साइटोप्लाज्म रहता है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, ये साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा लेमा होता है, प्लाज्मा लेमा होता है, और साथ ही साथ इसमें आपको एक्जाइल फिलामेंट अर्थात एक्सोनीम भी मौजूद रहते हैं। यही जो है आगे जाके इंड पीस में बदल जाता है। इंड पीस जब हम पहुंचते हैं तो इंड पीस के पास हम लोग देख रहे हैं कि इसमें प्लाज्मा लेमा भी मौजूद नहीं है, साथ ही साथ इसमें साइटोप्लाज्म भी मौजूद नहीं, लेकिन इसमें आपको एक्जाइल फिलामेंट जिसे हम लोग एक्सोनीम कहते हैं वह अवश्य रूप से रहता है। इस प्रकार से आपका पूरा ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम होता है और ये जो आपका अंतिम टेल है यह टेल पीस ही फ्लेजिलेट रहने के वजह से, फ्लेजिला के जैसा रहने के वजह से शुक्राणु को गति करने के लिए, शुक्राणु को मूव करने के लिए मदद करता है, जिसके वजह से शुक्राणु मेल के शरीर से निकलते हैं और कॉपुलेशन की क्रिया के द्वारा फीमेल बॉडी में पहुंचते हैं और सेकेंडरी ओसाइट द्वितीयक अंड कोशिका जिसको ओवम भी हम लोग बाद में कहते हैं, ओवम से जाकर के ये मिलता है, संयोजन करता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न बनाता है। इस प्रकार से ये पूरा ह्यूमन स्पर्म से संबंधित का आज मैंने आपको टॉपिक लेकर के आपको बताने का काम किया। अगले वीडियो में मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु जनन किस प्रकार से होते हैं और उसके कौन कौन से फेज होते हैं, उन सारी चीजों को मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा। अगर आपको कहीं भी मेरे बताए हुए टॉपिक में किसी प्रकार का डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके वहां अपने डाउट को रख सकते हैं, प्रॉब्लम को रख सकते हैं। अगले वीडियो में उसे आपको अवश्य दूर करूंगा और साथ ही साथ अगर आपको कहीं मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ, दूसरे छात्र छात्राओं के साथ उसे अवश्य रूप से शेयर करें। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलती है और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।